हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक है? मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने आपको समझाया था कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस। उसके बाद हमने आपको समझाया था पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंसेस। और आज के वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस। तो इस टॉपिक पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग डायग्राम को बहुत अच्छा से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है आपको? तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मैं आगे की वीडियो में जब मैं आपको ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को डिटेल में वर्किंग समझाऊंगा उस समय मैं आपको ये वाला पार्ट को बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल हम लोग जो अपना ये वाला टॉपिक हमारा आया कहाँ था, कहाँ से आया था? ट्रांसफार्मर का जब हम लोग क्लासीफाई किए थे वहां से आया था। तो हम लोग को सिंपल सा हम पढ़ना तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा होता कुछ डिफरेंसेस इन सारे टाइप्स के बीच में, कि उसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंसेस को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी डिटेल में मैं इसका स्ट्रक्चर को बात नहीं करूंगा। फिलहाल क्या ऊपर में बेसिक क्या डिफरेंसेस है वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपके एग्जाम में आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो आप इसको साफ साफ स्क्रीनशॉट मारकर कॉपी में लिख सकते हैं और एग्जाम में जाकर के एकदम अच्छा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी तरीके से गलत नहीं लिखा गया, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे ये सवाल आपके एग्जाम में आया और 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? तो 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा और हम लोग 4 को पॉइंट लिख भी किए, तो फिर क्या आपको लग रहा है कि 3 मार्क्स पूरा दे देगा? बिल्कुल देगा, खाली आप लोग ये फिगरवा बढ़िया से छाप दीजिएगा बस, उसके बाद तो टीचर गदगद हो जाएंगे, है ना? ये फिगर तो अगर छाप दिए एग्जाम में और ये 4 को पॉइंट लिख दिए, तब तो आपका 3 में 3 फिक्स दे देगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग फिगर छाप दिए, ठीक है? फिगर को मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, फिगर में फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है? जो हाई वोल्टेज वाले जो जो टावर सबसे जो करंट आता है ना, जो तार मोटा मोटा तार सब पास होता है, उन तारों में कितना करंट पार हो रहा है वो जानने के लिए हम लोग, वो मेजर करने के लिए हम लोग को करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है बड़े बड़े सब स्टेशनों में, ठीक है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि करंट को मेजर करना है तार में कितना फ्लो हो रहा है तो हम लोग एमीटर लगा देंगे, पोटेंशियल मेजर करना है तो हम लोग वोल्टमीटर लगा देंगे। तो फिर हमको करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों पड़ा? तो अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर का फोटो और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फोटो, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना? बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा क्यों रहता है? ताकि हमको ज्यादा वोल्टेज से जो करंट पास हो रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए। ये सब में जैसे करंट ट्रांसफार्मर है तो इसमें एमिटर लगा रहता है जो मेजर करता है। देखिए ट्रांसफार्मर है ये, तो ट्रांसफार्मर मेरा केवल क्या करता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, वो किसी तरीके से वोल्टेज को मेजर नहीं करता या फिर करंट को मेजर नहीं करता। मेजर करने के लिए तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये, तो करता क्या है? तो फिर भी इसको हम लोग मेजरिंग एप्लीकेशन के आधार पर बांटे थे। तो करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों बोले थे? क्योंकि ये जो मेजर करने में मदद करता है, क्या है? क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर आपका एमिटर से जुड़ा रहता है ना, ये किसी तरीके का मेजर नहीं करता, इसमें जो एमिटर जुड़ा रहता है वो मेजर करता है ना। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसमें भी जो आपका वोल्टमीटर लगा होता है वो मेजर करता है, मतलब ये मेजर करने में मदद करता है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए ये जो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, बड़े बड़े सब स्टेशनों में, ठीक है, बिल्डिंग घर वगैरह सब में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, एकदम 3D में है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। डिटो इसी तरीके से दिखेगा, इसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर देखिए ये जो टोपी जैसा दिख रहा है और यहाँ पर एक छेद जैसा दिख रहा है, उस छेद के माध्यम से हम लोग तेल डालते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर ऑयल को वहां से डाला जाता है, इसलिए ये छेद, ये आपको पता चल गया, दो गो टर्मिनल निकला हुआ है। क्या क्या? ये दोनों ही टर्मिनल आपका प्राइमरी टर्मिनल है, ये पहला प्राइमरी टर्मिनल, ये दूसरा प्राइमरी टर्मिनल, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और इसी में देखिए बीच में एक आपको एक और छोटा छोटा बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो वो क्या है? वहां से हम लोग देख पाएंगे, वो खिड़की जैसा रहता है, ढक्कन जैसा उठाएंगे, है ना, गेट, मतलब इसको देखेंगे, वहां से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल पूरा भरा है क्या नहीं, उसका लेवल कितना है,
ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये जो बॉक्स ठोक किया है ये ऑयल टैंक है, ठीक है। अब ये वाला जो देखिए, ये वाला, ये जो इस तरीके से है ना, इस तरीके जो संरचना आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्सेलिन इंसुलेटर। जिस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर में बुशिंग्स का बात किया था ना, छतरी जैसा रहता है, उसी तरीके से ये वाला क्या है, पोर्सेलिन, ये मटेरियल का नाम है, और इंसुलेटर यानी ये आपका इंसुलेशन का काम करता है। अच्छा, ये तो बाहरी संरचना है, इसका अंदर में क्या होता है? तो इसके अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहीं पर इसी का अंदर में मैग्नेटिक कोर होता है। कोर ट्रांसफार्मर में नहीं देखे थे कोर? हाँ, वही वाला। तो मैग्नेटिक कोर होता है और वाइंडिंग उसी में, आप जैसे कोर में ही वाइंडिंग होता होता है। तो ये इनसाइड, देखिए यहाँ पर इनसाइड लिखा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग इनसाइड, इसके अंदर में मैग्नेटिक कोर और उसी के अंदर में वाइंडिंग क्या हुआ रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऊपर में हमने देखा था प्राइमरी वाइंड टर्मिनल, तो नीचे में अब ये जो बॉक्स है जैसा जो दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स। इसी के अंदर में सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं। तो सेकेंडरी टर्मिनल्स ये देखिए गोल जैसा दिख रहा है, ये टर्मिनल्स है, ठीक है। कौन सा टर्मिनल? सेकेंडरी टर्मिनल। ये जब आप लोग अपने आंखों के द्वारा जाकर के वहां पर जब देखेंगे, तो वहां पर आपको इस तरीके से कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 1S1, इस टर्मिनल का नाम है 1S2, इस टर्मिनल का नाम है 2S1, इस टर्मिनल का नाम है 2S2, ठीक है। ये टर्मिनल्स का नाम है। तो ये मैंने जो भी लिखा हुआ था डायग्राम में, मैंने आपको पढ़ के समझा दिया, ठीक है। और भी बहुत डिटेल में, तो मैं डिटेल में पहले ही कर दिया हूँ कि मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। डिटेल में बात करूंगा आगे, है अभी इस टॉपिक को और भी आगे पढ़ना है, ठीक है, आगे के यूनिट्स में, तो वहां पर मैं बात करूंगा। फिलहाल ये हो गया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसको थोड़ा समझा देते हैं, या फिर पहले इसको खत्म ही कर लेते हैं, है ना। तो एक और बार लास्ट में फिर दोनों को डिफरेंस बता देंगे। तो मेजर हाई करंट इन पावर सिस्टम, अच्छा करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं? जैसा कि नाम में छिपा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा? करंट मेजर करेगा। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेजर करता है, तो मेजर नहीं करता है, मेजर करने में हेल्प करता है। एंड फिर भी कहीं कहीं लिखा रहता है मेजर हाई करंट इन पावर सिस्टम, ठीक है। जो मोटा मोटा जो केबल्स जा रहा है एक टावर से दूसरा टावर, तो कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? करंट ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। और ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये आपका लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट होता है ना। काहे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एमीटर जुड़ा होता है। तो एमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ कि हम लोग जो मोटा मोटा तार जा रहा है उसको हम लोग क्या करना है, करंट को मेजर करना है। तो हम लोग क्या एमीटर का यूज कर सकते हैं वहां पर, मतलब डायरेक्ट? तो देखिए एमीटर हमारा छोटा रहता है, उसका जो करंट मेजर करने का जो क्षमता रहता है वो 5, 10, 15, 20 एम्पियर तक इतना ही करंट को मेजर कर पाएगा। अगर हम लोग उतना छोटा डिवाइस को उतना मोटा तार से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए लगा देंगे, तो मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए वहां पर उतना भारी मात्रा में जो करंट जा रहा है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसको कम करना होगा, है ना, तभी ना हम उसको मेजर कर पाएंगे। नहीं तो फिर उतना बड़ा डिवाइस कहाँ पाएंगे हम मेजर करने के लिए। तो जो करंट जा रहा है, कितना जाता है करंट, हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, कितना करंट जाता है, कितना वोल्टेज का जाता है, 4 लाख वोल्टेज का जाता है, 33 लाख वोल्टेज का जाता है ना। तो उसी तरीके से तो इतना वोल्टेज का करंट को सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कम करना होगा, करंट को कम करना होगा, जो ज्यादा एम्पियर में करंट जा रहा है उसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर स्टेप अप लिखा है और हम बोल रहे हैं करंट को कम करना है, तो स्टेप अप तो हम लोग जानते हैं कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करवाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको पोटेंशियल के बेसिस पर कार्य करता है, वोल्टेज के आधार पर बात करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग क्या ज्यादा रहता था और प्राइमरी में कम वाइंडिंग रहता था, तो वो वोल्टेज को ज्यादा करता था, इंक्रीज करता था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता था लेकिन करंट को डिक्रीज करता है। हाँ, तो हमको करंट यहाँ पर कम करना है ना, इसीलिए तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आ रहा कि करंट को कम करना है तो फिर वोल्टेज को हाँ, करंट को कम करना है तो वोल्टेज को ज्यादा करने का क्या जरूरत, ये माने संबंध कैसा है? तो देखिए हम लोग संबंध पढ़े हैं, पावर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर VI cos थीटा, VI cos थीटा पढ़े क्या ना, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए ये पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि अगर एक फैक्टर के दोनों क्या है, गुणा में, अगर एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप उसको कम होना पड़ेगा, ताकि पावर मेरा जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है, पावर जितना है उतना ही रहने के लिए हमको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटाना पड़ेगा, और करंट यदि बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को घटाना पड़ेगा, तो हमें ना दोनों तरफ बराबर होगा, नहीं तो फिर कम बेसी हो जाएगा, पावर तब तो कम हो जाएगा, यही ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो दोनों ये रिलेशन आपको समझ में आ गया, पावर के रिलेशन होता है VI cos थीटा
इसलिए एक फैक्टर यदि बढ़ेगा कॉस्ट वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट को घटाना पड़ेगा। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमको करंट को मेजर करना है। तो ज्यादा वोल्टेज का करंट जा रहा था तो उसको सबसे पहले ज्यादा एम्पियर में अब वोल्टेज से फिर एम्पियर में आ गया, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज का करंट जाएगा तो ज्यादा एम्पियर भी तो होगा, तो ज्यादा एम्पियर का करंट है इसमें हम एम्पियर के आधार पर बात करें, ठीक है, उसमें वोल्टेज का आधार पर बात करेंगे। तो ज्यादा एम्पियर का करंट जा रहा है तो उसको सबसे पहले कम करना होगा, कम एम्पियर में करना होगा, तभी ना मेरा एमीटर मेजर करेगा। तो कम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिए, ठीक है, क्लियर है। वो वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो उससे हमको थोड़ी लेना देना, हमको पावर, हमको करंट तो कम मिल रहा है ना। तो कम ये जैसे 33,000 वोल्टेज का करंट, जो 33 लाख वोल्टेज का जो करंट जा रहा था उसको आप क्या कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वोल्टेज का करंट जाएगा तो फिर ज्यादा एम्पियर का भी करंट उसी में, वोल्टेज समानुपाती करंट होता है ना ओम्स लॉ से, हाँ, तो ज्यादा एम्पियर का करंट जा रहा है तो उसको आप कम कर दिया, तो ज्यादा एम्पियर का करंट जाता है उसको कम कर दिया, तो कम करने के बाद हम जो इसमें एमीटर जुड़ा हुआ है वो आप करंट को मेजर कर देगा। तो ये हो गया करंट ट्रांसफार्मर। इसका टाइप भी होता है, ठीक है, आप लोग जैसे गूगल में सर्च करेंगे करंट ट्रांसफार्मर तो आपको ये वाला डायग्राम तो भी मिलेगा और इसके साथ साथ मिलता जुलता, मतलब ये वाला डायग्राम को छोड़कर और एक दो मैंने नया नया ट्रांसफार्मर जैसा देखने को मिलेगा, है ना, कुछ छोटा मोटा मैंने क्या डिब्बा जैसा देखने को मिलेगा वो भी करंट ट्रांसफार्मर है, कुछ गोल जैसा देखने को मिलेगा और उसके चारों तरफ वाइंडिंग है वो भी करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो वही उसका टाइप है, करंट ट्रांसफार्मर का भी टाइप है, ये बार टाइप में भी मिलता है, बार जैसा, ये उंड टाइप यानी लपेटा हुआ जैसा भी मिलता है, और विंडो टाइप भी ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है, ठीक है। जिस तरीके से आपको यूज में लाना है उस तरीके से, है ना, ज्यादा वोल्टेज का करंट जा रहा है तो उसको कम करंट में मेजर करने के लिए हमको ये वाला ट्रांसफार्मर यूज करना होगा, ठीक है, ये वाला। चलिए आप इधर देख लेते हैं, इसका डायग्राम को समझते हैं ये वाला, और फिर लास्ट में दोनों को डिप्रेस कर देंगे। तो ये है मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर को समझिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक देखिए तार जैसा है, ये वाला तार है, तो ये है प्राइमरी टर्मिनल, ये क्या है प्राइमरी टर्मिनल, जहां से मेरा सप्लाई कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइमरी जो टर्मिनल से वो सप्लाई जो तार आ रहा है मेरा मोटा मोटा तार सब यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक साइड को यहाँ से एक साइड को यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पर अब जैसा कि ये सीरीज में कनेक्ट था इसीलिए इसको एकदम सीरीज में कनेक्ट किया, अब ये पैरेलल में है ना, तो यहाँ पर एक टर्मिनल और नीचे से एक टर्मिनल, ऊपर में प्राइमरी नीचे में सेकेंड, ठीक है, एक एक गो, और यहाँ पर दो गो था सीरीज में और यहाँ पर एक ही गो, इंड टू इंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद है ना, एक प्रतिरोध का पहला सिरा सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ और सभी प्रतिरोध के दूसरा सिरा को एक साथ, तो इसका एक सिरा को यहाँ से दूसरा सिरा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर प्राइमरी टर्मिनल है और यहाँ पर नीचे में देखिए सेकेंडरी टर्मिनल लिखा हुआ, तो ये बॉक्स का क्या नाम हो जाएगा, तब फिर सेकेंडरी टर्मिनल का बॉक्स हो जाएगा जिसके अंदर में सेकेंडरी टर्मिनल है। और देखिए यहाँ पर नीचे भी हमने एक ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें वो ट्रांसफार्मर भी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया होता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम किसको बोलते हैं, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कम होता है प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होता है ना। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर ये सब तो जो उसमें था उसी तरह से इसमें भी है। और यहाँ पर देखिए ये जो चैम्बर जैसा दिख रहा है, एक्सपेंशन चैम्बर, अगर ठीक है ज्यादा तेल यदि गर्म हो गया तो एक्सपेंड कर सके, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में क्या था कंजर्वेटर टैंक था, उसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर, ठीक है, यहाँ से हम तेल डाल सकते हैं। अब तेल किस लिए डालते हैं ट्रांसफार्मर में, आपको तो पता ही है, कूलिंग ठंडा करने के लिए, ये सब हो गया, ठीक है। जो और भी इसमें और डिटेल में है, इसका अंदर में और भी स्ट्रक्चर सब का नाम है, तो वो सब मैं नहीं बताऊँ ताकि उतना ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करूँ, खाली सिंपल से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे वहां पर करंट ट्रांसफार्मर था, करंट मेजर करता, यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, हाँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एक और नाम है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो ये मेजर हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज को मेजर करता है और हाई वोल्टेज का जो करंट पास हो रहा है तो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए तो हम लोग लगा है यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, फिर हम लोग वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, आराम से हम लोग उसको मेजर कर लेंगे कितना वोल्टेज पार हो रहा है, ठीक है, उस मोटा तार से कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, उसमें सीरीज में कनेक्ट करते थे इसमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लोड से, इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज का जो करंट पास हो रहा है जो एक टावर से दूसरा टावर मोटा मोटा तारों के माध्यम से कई उतार जाता है, तीन गो, और उसका नीचे में से एक और उतार जाता है, ठीक, उसका नीचे से इस तरीके से एक उतार दो उतार तीन उतार गया, एक एक टावर से दूसरा टावर और ठीक उसके नीचे में एक और टावर जाता है, सॉरी एक और वायर जाता है। तो ये रहता है आपका रेड, ये रहता है आपका येलो, और ये रहता है ब्लू, और लास्ट में न्यूट्रल है,
ठीक है, चार उतार जाता है, किसी किसी में आप लोग देखेंगे दो ही उतार जाता है, और एक लास्ट और एक नीचे से न्यूट्रल जाता है, तीन जो आपके घर वगैरह में जो पोल सब है ना उसमें दो ही उतार जाता है। तो ये सब आपका सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई, ठीक है, ये सब मैं बाद में आपको समझाऊंगा, तो वहां से आता है। तो इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी क्लियर हो गया, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये भी क्लियर हो गया। इसका भी टाइप है, ये दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक होता है आपका कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीबीटी, मोस्ट इंपोर्टेंट सीबीटी। आप लोग गूगल में अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सर्च करेंगे ना तो आपको कहीं वाला ज्यादा मिलेगा, सीबीटी लिखा रहेगा, फोटो रहेगा उसका, नीचे में सीबीटी लिखा रहेगा, तो वही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का टाइप है। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब वोल्टेज माने नॉर्मल वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज, यहाँ पर भी नॉर्मल करंट नहीं, हाई करंट जो एक टावर से दूसरा टावर तक जाता है, ऊंचा ऊंचा टावर सब मोटा मोटा तार जाता है, वो सब में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करता है, कौन इतना, ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल, ये उस तार में कितना करंट पार हो रहा है उसको मेजर करता है, उस तार में कितना वोल्टेज जा रहा है उसको मेजर करता है। इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, इसमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ। इसमें क्या होता है, ये एक ट्रांसफार्मर है, तो कैसा ट्रांसफार्मर आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि बताओ करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, तो आपको बताना है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे हुआ, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस प्रकार से हुआ कि हमको जो हाई एम्पियर का करंट जा रहा है उसको लो एम्पियर में करंट में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हम लोग संबंध जानते हैं P बराबर VI cos थीटा, तो वोल्टेज को कम करना होगा, सॉरी वोल्टेज को ज्यादा करना होगा करंट को कम करने के लिए, तब ना हम करंट को कम करके एमीटर से मेजर करेंगे। तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये एक पूछता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जाहिर सी बात है ये तो आप मुंह के आप लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी जो मोटा मोटा तार से कितना वोल्टेज का करंट, जो हाई वोल्टेज का करंट जा रहा है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट में करंट करंट लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर से मेजर करने के लिए, यानी लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेप डाउन है या स्टेप अप है तो ये किस बेसिस पर बात है, वोल्टेज लेवल के हिसाब से हम लोग पढ़े थे ना जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे ट्रांसफार्मर का, तो वहां पर पढ़े थे बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, तो तीन टाइप का पढ़े थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसको 1:1 ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जा करके देख के वीडियो का आनंद ले सकते हैं। टाइप भी बता दिए, मार्केट में आपका बार टाइप का भी करंट ट्रांसफार्मर मिलता है, कोन टाइप का भी मिलता है और विंडो टाइप का भी मिलता है, मार्केट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का भी मिलता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीबीटी टाइप का भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग सुंदर से एकदम पहले वीडियो का क्वालिटी को 720 सेट कर दीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को क्वालिटी को कम कर, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया और कंफ्यूजन वगैरह रहा है, मतलब अभी भी यदि कंफ्यूजन है तो बाद में इस टॉपिक पर हमारा डिटेल वीडियो भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये खाली डिफरेंस है, आपको रट के एग्जाम में लिखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जितना भी आपके क्लासमेट्स है सबको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।